होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप नाइन में, यानी कि दिन भर की 9 ऐसी बड़ी खबरें जो काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बनी होती है, ये जानते हैं आप हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए, आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा होगा कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है पी टाउन में। आपके लेवल को अब कम करते हुए दिखाते हैं हम अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, अब लीजिए शुरू होने वाला है आप सभी का फेवरेट दबंग टूर। जी हाँ, जहां पर आप सभी जानते हैं कि ये दबंग टूर में सलमान खान के साथ डेजी शाह भी होती है, जैकलीन भी होती है और उनकी मोस्ट अवॉइटेड फेवरेट गर्ल कैटरीना कैफ भी होती है। अब ऐसे में एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर दुबई से कहा जा रहा है कि ये टूर जो है शुरू होगा और ऐसे में यहां पर सलमान के साथ कैटरीना कैफ को देखा गया। यकीनन ही आप सभी ये जानते हैं कि सलमान और कैटरीना की जोड़ी जो है सबसे खूबसूरत है, सबसे अनोखी है। इनकी शादी को लेकर भी चर्चा जो है बड़े ही जोर शोरों से चलती है। अब ऐसे में जहां पर इस बारी भी दबंग टूर में सलमान के साथ कैटरीना को देखा जाएगा, वो वाकई ही काफी लाजवाब होने वाला है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां सलमान खान के साथ मनीष पॉल दिखाई दे रहे हैं, इतना ही नहीं यहां पर आयुष भी दिखाई दे रहे हैं। तो वाकई ही जब दबंग टूर शुरू होगा और यहां पर सलमान कैटरीना की केमिस्ट्री को देखा जाएगा तो इनके रिश्ते की पोल भी अपने आप ही सामने आएगी। हाल ही में बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट को महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड 2019 के दौरान देखा गया, जहां पर इवेंट में आलिया बचकानी हरकतें करती दिखी। जी हाँ, यहां पर आलिया के हाथ से माइक हिल जाता है तो वो यहां मीडिया के सामने चीखने लगती है। अब आप देखिए हमारे इस वीडियो में किस तरह से आलिया बचकानी हरकतें करती दिखी और किन किन बातों का खुलासा भी। बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है और अचीवर्स अवार्ड मिलना इज ऑलवेज इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, सो हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी प्रेपरेशन चालू है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है, बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई, सो और पूरी हो रही है, सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली। और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बीती रात को मुंबई में ब्रिज गिर गया, यानी कि मुंबई ब्रिज हादसा हुआ जहां पर कई जानों के खोने की खबरें आ रही हैं और ये वाकई ही काफी दुखद भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबई में बीते दिन कुछ ऐसी शाम बीती जो किसी ने सोचा नहीं था। इसे लेकर बॉलीवुड की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बॉलीवुड के तमाम सितारे इस पर अपना दुख प्रकट करते दिखे और ये वाकई ही काफी दुख की घड़ी थी मुंबई शहर के लिए और है भी, क्योंकि जिस तरह से अचानक ब्रिज का गिर जाना ये वाकई ही काफी शॉकिंग रहा। कहीं ना कहीं देश इस घटना के बाद काफी ज्यादा ही सतर्क हो गया है, काफी ज्यादा ही जो है वो इस टाइम शॉक में है। तो इसी बीच सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इस हादसे पर अपने दुख को प्रकट किया, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मैं शॉक में हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। ये वाकई ही जिस तरह से ये किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से शाम को कुछ ऐसा हो जाएगा, हंसती खेलती मुंबई नगरी कुछ एकदम से यूं तब्दील हो जाएगी, ये वाकई काफी शॉकिंग रहा। हम भी यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उन परिवारों को शक्ति दे। खान परिवार एक ऐसा परिवार जिसका हर एक सदस्य खबरों का कारण बना रहता है,
हाल ही में बता दें कि इन दिनों आयुष शर्मा जीजा सलमान के साथ काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। वही खबरें तो ये भी कह रही हैं कि इस बारी द बैंक टूर में सलमान खान के साथ आयुष भी दिख सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान खान बॉलीवुड में आयुष को जमाने के लिए काफी हद तक उनकी मदद कर रहे हैं। वाकई ही कहीं ना कहीं सलमान खान की तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि सलमान खान जब भी कोई चीज को ठान लेते हैं उसे दिल से निभाते हैं, चाहे वो खुद आयुष क्यों ना हो या फिर बॉलीवुड का कोई भी सदस्य। अगर सलमान ने ठान लिया है उन्हें बॉलीवुड में स्टेबल करने के लिए, तो भाई वो करके ही मानते हैं। अब यही यहाँ पर अर्पिता के पति आयुष को भी वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल हो, जिसको लेकर वो अपने साथ अब उन्हें काफी ज्यादा रखते हुए देखे जा रहे हैं। बॉलीवुड की मस्तानी यानी कि दीपिका पादुकोण, जी हाँ, जो हर वक्त ही अपनी बेहतर एक्टिंग से लेकर अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। हाल ही में दीपिका और रणवीर सिंह के घर पे एक नई खुशखबरी आई है। वो ये है कि दीपिका पादुकोण जो है मैडमे तुसाद में उन्हें अब जगह मिल गई। जी हाँ, यहाँ पर म्यूजियम के अंदर दीपिका पादुकोण का एक वैक्स स्टेचू बनाया गया है। जब वहाँ खुद दीपिका और रणवीर सिंह उसे देखने के लिए गए तो वो खुद सरप्राइज हो गए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आप यकीनन यही सोचेंगे कि दीपिका पादुकोण ये असली में है या फिर ये एक वैक्स स्टेचू है। यकीनन आपको बता दें कि एक वैक्स स्टेचू को देख कर दीपिका जितनी सरप्राइज हुई उससे ज्यादा सरप्राइज रिएक्शन यहाँ पर पति रणवीर सिंह ने दिया। दरअसल यहाँ पर रणवीर सिंह ये कहते दिखाई दिए, इसे घर ले जाना चाहता हूँ मैं। यकीनन ही यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो रणवीर सिंह असली पत्नी दीपिका को यही छोड़ देंगे और इस बैग स्टैचू को घर पर ले जाएंगे। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितनी फिनिशिंग से इस स्टैचू को बनाया गया है ये वाकई ही काफी ज्यादा खूबसूरत है। बीती रात मुंबई नगरी में जो कुछ हुआ यकीनन आप सभी उस घटना से वाकिफ होंगे। अचानक से ब्रिज का गिर जाना और फिर कहा ये जाना कि वहां पर कुछ लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया, ये वाकई ही काफी दुखद रहा। ऐसे में जहां पर हर एक इंसान उनके लिए दुआएं कर रहा है, उनके परिवार वालों के लिए आश्वासन जता रहा है, तो ऐसे में बॉलीवुड की तरफ से भी तमाम बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट जगत के सितारे परिवार वालों को लेकर और मुंबई को लेकर तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड की शानदार अदाकारा हेमा मालिनी ने भी मुंबई ब्रिज हादसे पर अपने दुख को प्रकट किया, जहां पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मुंबई के सीआईटी में अचानक से ब्रिज गिरने से हादसा हो गया। इस हादसे में जिंदगी गंवा चुके और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। यकीनन ही हमारे भी यही प्रार्थना है कि भगवान उनको शांति दे, उनके परिवार वालों को हौसला दे और जो लोग अपना इलाज अस्पताल में करवा रहे हैं वो बेहद ही जल्द ठीक हो जाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, जिन्हें हाल ही में टॉमी हिलफिगर के न्यू कलेक्शन लॉन्च पर देखा गया, जहां पर जाह्नवी ने तमाम बातों का जिक्र किया, मगर वहीं जब उनसे उनके आउटफिट के कलर ग्रीन को लेकर सवाल पूछा गया तब जाह्नवी ने कई ऐसी बातों का खुलासा किया जिसे जानने के बाद आप सभी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर कहती दिखाई दी है कि बचपन में ही ज्योतिष ने उन्हें कह दिया था कि ग्रीन कलर उनके लिए बेस्ट कलर है और ये बात श्रीदेवी ने पूछी भी थी। अब देखिए किस तरह से आज भी ऐसा लगता है कि माँ की बातों को, माँ की चीजों को जाह्नवी नहीं भूली है। देखिए ये खास वीडियो। ग्रीन मेरा लकी कलर है एक्चुअली। मम्मा ने मुझे एक बार बताया था, एक ज्योतिष ने उन्हें उनसे कहा था कि ग्रीन मेरा लकी नंबर है, लकी कलर है। इसके अलावा आपकी अपकमिंग फिल्म भी आ रही है, तो कितना मतलब शूटिंग क्या कुछ स्टेटस है, थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें। जी, शूटिंग जारी है, तख्त की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, वो अभी तक टाइम है तख्त के शूटिंग के लिए, लेकिन हाँ काम चल रहा है।
और क्या बताऊँ. एंड समर यू नो कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप बताइए कि समर सीजन में क्या कुछ वेयरिंग करना पसंद करती हैं जानी जी? समर में मुझे बहुत गर्मी लगती है तो शॉर्ट्स मैं बहुत पहनती हूँ. शॉर्ट्स पहनती हूँ, खादी शर्ट्स पहनती हूँ, कॉटन शर्ट्स पहनती हूँ, कॉटन कुर्ते बहुत पहनती हूँ मैं समर में. और हाँ बस ये अभी फिलहाल शायद समर में शूटिंग कर रही होगी मैं, तो तख्त नहीं एक दूसरी फिल्म है तो ज़्यादा. बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में सलमान खान की फिल्म दबंग की शूटिंग को लेकर फैंस जो हैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. मगर लीजिए अब सलमान खान ने फैंस को एक तोहफा दे दिया. जी हां, हाल ही में सलमान ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उनकी फिल्म की शूटिंग 1 अप्रैल से शुरू होगी. इसके बाद सलमान ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी बोला, जहाँ पर सलमान ने खुद बताया कि इसी साल दिसंबर में उनकी फिल्म रिलीज होगी. भाई इससे बड़ी खुशखबरी सलमान के चाहने वालों के लिए और कौन सी हो सकती है. अब आपको बता दें कि उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सोनाक्षी इस बारी भी इस फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाएंगी. वाकई दबंग की जितनी भी सीरीज आ रही हैं, यानी कि दबंग, दबंग 1, दबंग 2, 3 जितनी भी आ रही है, उस पर देखा जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप को बरकरार रखी है. अब देखना यही होगा जब से इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और ये फिल्म बड़े पर आएगी तब और कितने बड़े धमाके करेगी. बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जाह्नवी कपूर जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, हाल ही में जाह्नवी कपूर ने ईशान खट्टर संग अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अनाउंस कर दिया है. दरअसल आपको बता दें कि ईशान और जाह्नवी रिलेशनशिप में हैं, ऐसी खबरें काफी लंबे समय से वायरल हो रही है. अब लीजिए इंस्टाग्राम पर ईशान से जाह्नवी ने कुछ ऐसे सवालों को पूछ लिया जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इनकी ये बचकानी हरकतें साफ झलका रही हैं इनके रिलेशनशिप को. दरअसल आपको बता देते हैं कि जाह्नवी ने ईशान से क्या पूछा. यहाँ पर जाह्नवी ईशान से पूछती दिखी, क्या आप तरबूज खाते हैं? जिस पर ईशान ने कहा हाँ, और शुक्रिया जाह्नवी इतना अहम सवाल पूछने के लिए. मानो इतने से सवाल के बाद सोशल मीडिया पर जाह्नवी और ईशान को लोग ट्रॉल करने लगे. यहाँ पर वो कहते दिखाई दिए कि ये दोनों ही रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पर ये ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं. वहीं किसी ने कहा कि ईशान और जाह्नवी काफी लंबे समय से डेटिंग पर हैं. अब देखना यही होगा जितने कयास लगाए जा रहे हैं क्या सच में ये दोनों डेटिंग पर हैं या फिर महज ये अफवाहों का दौर है. So well friends, देखा आपने हमारे इस खास प्रोग्राम यानी कि टॉप 9 में कि किस तरह से भाई यहाँ पर बी टाउन में तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम तरीके की खबरें सलमान के ट्रीना को लेकर आ रही हैं और बाकी सितारे भी चर्चा का कारण बने रहे. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.